हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? हैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है मायदा की बर्थडे और घर पे बहुत सारा काम कर चल रहा है। अम्मी ने अपना घर पूरा बिखेरा हुआ है, किचन बन रहा है, पता नहीं कैसे होगा लेकिन इंशाल्लाह डे एंड पे मेरे बच्चे की बर्थडे बहुत अच्छी होगी। सो गाइज़, हमारा दिन का आगाज़ इस तरह से हुआ था कि मैं और अलीज़ा जो है घर से निकले थे मार्केट के लिए और हम लोग गए थे रेक सेंटर प्लस वही जो सदर वाली मार्केट है वहाँ पर, ताकि हम जो है मायदा के लिए कुछ फ्रॉक या कुछ इस तरह की चीज़ ले सकें इस इवेंट के लिए। बट ये है कि हम लोगों ने बहुत 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 ढूंढी चीज़ें लेकिन हमें कोई एज इन जो हम चाह रहे थे उस तरह की कोई फ़्रॉक या कोई ड्रेस नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर हमें नाउमीद होना पड़ा था। और फिर हमने सोचा कि यार अलीज़ा के लिए भी कुछ नहीं है, लाइक यू नो इवेंट के हिसाब से हमारा कलर कोड था तो उसके पास भी कोई रेड कलर में या फिर मरून कलर में कोई ड्रेस नहीं था। तो हम एट्रियम आए थे ताकि हम उसके लिए भी जो है कुछ ले सकें। और यहाँ हम दोनों पागलों की तरह फजूल पोज करते हुए और फिर हम आ गए थे आइडियाज़ और खड़ी है ये शायद, पहले हम खाड़ी गए थे उसके बाद फिर हम आइडियाज़ गए थे जहाँ पे इसको एक शलवार कमीज़ पसंद आ गई थी। और आगे कंटिन्यू करते हैं। है मैं बीच में एक जो है पार्ट मिस कर गई क्योंकि बहुत कियोस हो गया था। और चले आए आपको दिखाते हैं कि डेकोरेशन कैसा था। तो भाई घर पे आते ही साथ जो है सबसे पहला मेरा काम यही था कि मैंने आके डेकोरेशन शुरू कर दी थी जो कि आपने देखी। और उसके बाद केक आ गया था, केक गलत आया था, डिज़ाइन हमने कुछ और दिया था और उन्होंने हमें ये बटरफ्लाइज दे दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड बर्थडे के हिसाब से मायदा की जो है ये केक भी अच्छा ही लग रहा था। बट ये था कि हम लोगों ने टेडी बियर ऑर्डर किया था बट उन्होंने हमें वो नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मायदा अपनी छोटी बहन को प्यार करते हुए और हम तैयारी कर रहे थे सारी चीज़ों की और ये बदर में फालतू की जो मेरे पोजेस होते हैं। और यहाँ पे सारी फैमिली, अच्छा मैंने ये व्लॉग में से बहुत सारे पार्ट्स काट दिए बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी इशूज़, पूरा ख़ानदान था तो अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग पर्दा करते हैं तो इस वजह से चीज़ें कट करके पोस्ट किए हैं। और यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग मायदा का केक कट करने के लिए, तो होपफुली आप लोगों ने ये व्लॉग पसंद किया होगा, तो आगे आप लोग देखें क्या क्या हुआ। होपफुली आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा क्योंकि मैंने भी बहुत इन्जॉय किया और आधा इवेंट अभी बाकी है तो मैं नहीं कर पाऊँगी व्लॉगिंग, एंड कुछ चीज़ें इन्जॉय भी करनी चाहिए फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।